हेलो बच्चों, तो आपने देखा जाए तो दो चैप्टर्स जो हैं, दो पॉइंट्स जो हैं, वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुके हैं। पहला चैप्टर जो अपन ने देखा था वो था विद्युत क्षेत्र। दूसरा चैप्टर जो हमने पढ़ा वो है गाउस का नियम और उसके अनुप्रयोग। ठीक है, अब हम जो तीसरा चैप्टर है विद्युत विभव, है ना, स्थिर वैद्युतिकी का जो तीसरा पार्ट है वो है विद्युत विभव। ठीक है, उसको पढ़ेंगे। तो आज जो अपना चैप्टर है उसका नाम हमने लिख लेना है, दैट इज विद्युत विभव। विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं बच्चों इसे। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल। ठीक है, अब देखो विद्युत विभव कैसा नाम, ऐसा 10वीं में सुना हुआ लग रहा है आपको, है? आ रहा था ना, विद्युत धारा आ रहा था, वो चैप्टर था 10वीं के अंदर। ठीक है, तो वहां पर अपने विद्युत विभव विभव को पढ़ा है और एक विभवांतर को भी पढ़ा है, पढ़ा था वहां पर। ठीक है, तो वही डिस्कस करने वाले हैं, वही परिभाषा वापस से लिखने वाले हैं, बस दो चीज और ऐड हो जाएंगी। एक तो एकांत प्रॉपर्टी है विद्युत विभव विभवांतर की, दूसरा अपन उसका मात्रक और विमावर पढ़ लेंगे। ठीक है, तो बस इतना सा अंतर रहेगा और सेम वैसा का वैसा है। ठीक है, चलिए, चैप्टर बहुत अच्छा है बच्चों। देखिए, तो विद्युत विभव को समझने से पहले मैं आपको एक चीज बताता हूँ। देखिए, मैं यहाँ पर समरूप विद्युत क्षेत्र ले रहा हूँ। समरूप विद्युत क्षेत्र कैसे प्रदर्शित करते हैं? ऐसे समांतर रेखाएं होती है ना? आपने क्या करना है, समांतर विद्युत पथ रेखाएं खींच देनी है। ठीक है, तो ये मैंने बोला कि ये मेरा समरूप विद्युत क्षेत्र है ई, और इस समरूप विद्युत क्षेत्र में कोई बिंदु है ए। ठीक है, और इस ए बिंदु पर अगर क्यू आवेश होता या क्यू नॉट आवेश होता, ठीक, क्यू नॉट प्रेक्षण आवेश मान लेते हैं। ठीक, तो क्यू नॉट प्रेक्षण आवेश है, तो ये क्यू नॉट आवेश कहाँ की ओर जाएगा? तो हम बोलेंगे विद्युत क्षेत्र की दिशा में जाएगा, क्योंकि ये प्रेक्षण आवेश है, धनात्मक आवेश जो है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही गति करता है ना? उसके ऊपर बल विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है, इसलिए वो उसी दिशा में गति करता है। ठीक है, चलिए अब क्या करना है, अब समझना है इस चीज को। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में जाने के लिए हमें कोई बल लगाने की आवश्यकता नहीं है, विद्युत क्षेत्र खुद ही इसके ऊपर बल लगा रहा है। ठीक, अगर हमें बल लगाना पड़े तो हम बोलेंगे कि हम इसे अगर यहां से लेकर यहां तक लाने की कोशिश करें, तो अब देखो मैं विद्युत क्षेत्र की दिशा में लेकर जाने की कोशिश कर रहा हूँ या उसके विपरीत दिशा में लेकर आने की कोशिश कर रहा हूँ? तो हमने बोला कि आवेश को विपरीत दिशा में लेकर आ रहे, इसी केस में तो हमें बल लगाने की आवश्यकता पड़ेगी, अदरवाइज तो विद्युत क्षेत्र ही खुद उसके ऊपर बल लेकर लगा रहा था। ठीक है, तो आवेश को यहां से लेकर यहां तक अपन लेकर के आए। ठीक है, और इस तरीके से लेकर के आए कि हमने इसकी गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं किया है, ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, कि आवेश को इस प्रकार लेकर के आना है कि उसकी गतिज ऊर्जा डेल के जो है, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन जो है वह क्या रहना चाहिए, शून्य रहना चाहिए। स्थितिज ऊर्जा चेंज हो सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गतिज ऊर्जा का परिवर्तन कितना रहना चाहिए, शून्य रहना चाहिए। ठीक है, हम ऐसा लेकर के आ रहे हैं आवेश को। तो हमने क्या किया, विद्युत क्षेत्र के विपरीत लेकर आए, तो हमने क्या किया, कार्य किया। ठीक, तो किसी एकांक का जो अगर, चलो क्यू नॉट आवेश बोलता है, क्यू नॉट आवेश को ए से बी तक लाने में जो कार्य करते हैं वह ए और बी बिंदु के मध्य स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन के रूप में संचित होता है, ये बात ध्यान में रखना। हमने उसकी स्थिति में परिवर्तन किया है, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन नहीं किया है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे। ठीक, और यदि इस क्यू नॉट आवेश की जगह अपन बोलते एकांक आवेश, तो फिर हमारे द्वारा किया गया कार्य बच्चों क्या हो जाता, इन दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर में कन्वर्ट हो जाता। तो अब समझिए क्या बोल रहा हूं मैं, कि किसी एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, विद्युत क्षेत्र में स्थित एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उन दोनों बिंदुओं के मध्य विद्युत विभवांतर कहलाता है। ठीक है, चलिए, तो अब एक बार परिभाषा को समझ लेते हैं। हम क्या बोल रहे हैं कि किसी विद्युत क्षेत्र में एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश को
विद्युत क्षेत्र के विपरीत एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, और ये कार्य बाह्य बलों द्वारा किया जाएगा, ये बात ध्यान रखना, किया गया कार्य ही उन बिंदुओं के मध्य, उन बिंदुओं के मध्य विद्युत विभवांतर विभवांतर कहलाता है। ठीक है, अब ये समझिए कि आवेश को मैं ऐसा लेकर के आ रहा था, मैं इस आवेश को ऐसा भी तो ला सकता हूं, मैं इस आवेश को ऐसा भी तो ला सकता हूं। तो ये कार्य के बहुत सारे पथ हो सकते हैं। हमने बोला कि पहला पथ W1, दूसरे पथ से W2 कार्य किया, और तीसरे पथ से W3 कार्य किया। ठीक है, A से B तक लाने में किया गया कार्य W1, W2, W3 है। तो बताओ कि ये किया गया कार्य अलग अलग होगा या फिर एक ही होगा, मतलब W1, W3 के मान जो है वो एक दूसरे के बराबर है या अलग अलग है। तो इसका हमने कॉन्सेप्ट पकड़ा, क्या कॉन्सेप्ट पकड़ा, हमने बोला विद्युत क्षेत्र एक संरक्षी क्षेत्र है। क्या क्षेत्र है? संरक्षी क्षेत्र है, और संरक्षी क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, इसका मतलब W1 का मान W2 के और W2 का मान किसके बराबर है? W3 के। ये बात ध्यान रखना। कहने का मतलब मेरा सिर्फ और सिर्फ इतना था कि A और B बिंदु के मध्य ये जो विभवांतर है बच्चों, वह विभवांतर पथ पर निर्भर नहीं करता, इस बात को ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला बनाने की कोशिश करते हैं कि विभवांतर का फॉर्मूला क्या बनेगा। ठीक, तो विभवांतर को बच्चों V से प्रदर्शित करेंगे, और A और B बिंदु के मध्य है इसलिए हम इसे VAB कहेंगे। ठीक है, तो देखो कैसे काम किया, तो ये समझना एक बात के लिए, हमने बोला Q0 आवेश को समझना, Q0 आवेश को A से B तक लाने में किया गया कार्य, लिख देते हैं WAB। ठीक है, Q0 आवेश को विद्युत क्षेत्र के A से B बिंदु तक लाने में किया गया कार्य कितना लिखा हमने? WAB लिखा। अतः एकांक धनात्मक आवेश को लाने में किया गया कार्य क्या होगा बच्चों? WAB/ क्या हो जाना चाहिए? Q0 हो जाना चाहिए। ठीक बच्चों, यही तो परिभाषा है कि किसी एकांक धनात्मक आवेश को विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लाने में किया गया कार्य ही क्या होता है? उन दोनों बिंदुओं के मध्य विद्युत विभवांतर कहलाता है। तो विद्युत विभवांतर VAB है ना, बराबर में क्या होगा? WAB/ क्या? Q0। VAB का मतलब क्या है? A और B बिंदु के मध्य विभवांतर। इसे और कैसे लिख सकते हैं? तो इसे ऐसा भी लिखा जा सकता है, अंतिम बिंदु पर विभव माइनस प्रारंभिक बिंदु पर विभव। ठीक है, ये समझ में आ रहा है आपको? इसे और कैसे लिखा गया है? अंतिम बिंदु पर विभव माइनस प्रारंभिक बिंदु पर विभव। इसका मतलब वापस देखो, मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि किया गया कार्य किस पे निर्भर नहीं करता? पथ पे निर्भर नहीं करता। तो फिर किस पर निर्भर करता है यह किया गया कार्य? प्रारंभिक एवं अंतिम बिंदु पर विभव पर निर्भर करता है। ये बात ध्यान में रख लो। ठीक है, चलिए अब अगर आप सामने आप इसका फॉर्मेट देख रहे हैं तो आपको इसका मात्रक समझ में आ जाना चाहिए, है ना? विभवांतर की परिभाषा तो डन हो गई, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब हम देखते हैं कि इसका मात्रक क्या बनेगा। तो हमने बोला विभवांतर का SI मात्रक। इसका विभवांतर का SI मात्रक क्या होगा बच्चों? वो समझिए। तो हमने बोला विभवांतर का SI मात्रक होता है बच्चों वोल्ट। क्या होता है? वोल्ट होता है। चलिए और इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग कैसे इसे वोल्ट को मान सकते हैं? तो हम बोलते हैं वोल्ट को और क्या लिख सकते हैं? देखो कार्य का मात्रक क्या होता है? कार्य का मात्रक होता है जूल। ठीक है, और आवेश का मात्रक होता है कूलम। तो जूल प्रति कूलम को ही हम क्या बोल सकते हैं? वोल्ट बोल सकते हैं। ठीक है,
चलिए फिर ये मात्रक आ चुका है, अब हम क्या करेंगे इसकी विमा निकालेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपने ये उतार लिया होगा। ठीक, चलिए अब हम इसकी विमा देखते हैं। किसकी विमा देख रहे हैं बच्चों? विभवांतर की। ठीक है, तो हमने लिखा विमा। देखिए बच्चों विमा कैसे निकालेंगे, तो फॉर्मूला अगर आपके पास में होता तो ज्यादा दिमाग दिमाग के मतलब ज्यादा टिपिकल नहीं होता हमारे पास में विमा को निकालना। देखिए कार्य, कार्य को दिमाग में समझा हमने, कार्य बराबर क्या होता है बल गुणा विस्थापन। ठीक है, तो हमने रफ में दिमाग लगाया कि यहाँ पर कार्य होता है बल गुणा विस्थापन, ऐसा कुछ फॉन्ट होता है। फिर बल की विमा हमें पता रहती है, बल की विमा क्या होती है m1 l1 t-2, ये किसकी विमा है? बल की। विस्थापन लंबाई है तो l1 आ जाएगा, तो कार्य की विमा क्या हो जाएगी m1 l2 t-2, है ना? और ये तो याद भी रहती है, कार्य की विमा ऐसी है जो याद रहती है। ठीक है, तो हमने बोला कि कार्य की विमा लिख दी हमने, क्या भाई m1 l2 t-2 डिवाइडेड बाय। आवेश की विमा क्या होती है बच्चों? A1 T1। ठीक है, चलिए काम करते हैं। ये क्या हो जाएगा M1, L देखो L2, T देखो T की पावर -3, A की पावर क्या हो जाएगी -1। ये किसकी विमा है? विभवांतर की विमा। किसकी विमा है? विभवांतर की विमा। चलिए अब मेरे को ये बताओ बच्चों, विभवांतर सदिश राशि है या फिर अदिश राशि है? ठीक है, तो गौर करते हैं, यहाँ पर सिंपल सा टास्क था। कैसे? देखिए कार्य एक अदिश राशि है, हमें पता रहता है। ठीक है, आवेश भी एक अदिश राशि है, तो एक अदिश राशि में एक अदिश राशि का भाग लगाओगे तो एक अन्य अदिश राशि प्राप्त होगी। तो ये राशि कैसी है? कैसी राशि है? तो हमने बोला अदिश राशि। ठीक है, फिर और हमें विभवांतर के बारे में क्या पता होना चाहिए था? जो मैं आपको पहले बता चुका हूं विभवांतर के लिए, कि विभवांतर जो है वो किस पे निर्भर नहीं करता? पथ पर निर्भर नहीं करता। तो ये ध्यान में रखिएगा कि किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर पथ पर निर्भर नहीं करता। यह मात्र किस पे निर्भर करता है? अंतिम और प्रारंभिक बिंदु पर, विभव पर निर्भर करता है। यह मात्र अंतिम तथा प्रारंभिक बिंदु पर, विभव पर निर्भर करता है। ठीक है, ये समझ में आया? चलिए, तो ये विभवांतर का मेन मेन पार्ट था जो हमें दिमाग में रखना था। ठीक है, अब हम किसकी बात कर लेते हैं बच्चों? विभव की बात कर लेते हैं कि किसी बिंदु पर विभव कैसे ज्ञात किया जाएगा। तो आपको वो परिभाषा याद है? आपको ये भी याद होगा कि 10th के अंदर जब हम विभव ज्ञात कर रहे थे तो हम बोलते थे कि एक बिंदु कहाँ होना चाहिए था? अनंत पर होना चाहिए था। ठीक है, तो हम बोलते हैं यहाँ पर इस परिभाषा में सिर्फ एक काम करो, इस ए बिंदु को उठा करके ले जाओ अनंत पर। ठीक है, और फिर क्या बोलेंगे? अनंत से किसी एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या होगा? उस बिंदु पर विद्युत विभव के तुल्य होगा। ठीक है, वापस से समझ लीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। अब हमारा पॉइंट बन रहा है बच्चों विद्युत विभव। क्या बन रहा है? विद्युत विभव। पहले अपन ने डिस्कस किया था विद्युत विभवांतर। ठीक है, और अब अपन डिस्कस कर रहे हैं क्या? विद्युत विभव डिस्कस कर रहे हैं। अगर विद्युत विभव को डिस्कस करेंगे तो हमने क्या बोलना है? देखिए विभव की बात कर रहा हूं है? तो हमने बोला कि अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित, समझिए अनंत से विद्युत
क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक, किसी बिंदु तक एकांक धनात्मक, एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश को लाने में किया गया कार्य ही उस बिंदु पर विद्युत विभव को प्रदर्शित करता है। प्रदर्शित करता है, ठीक है। और ये कार्य भी हम कैसे कर रहे हैं, विद्युत क्षेत्र के विपरीत ही कर रहे हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। अब चलिए, अगर ऐसी परिभाषा है इसकी, ठीक, तो फिर हम इसे फॉर्मूला वाइज कैसे प्रदर्शित करेंगे। तो हम बोलेंगे कि अगर बी बिंदु पर विभव ज्ञात करना था तो ए बिंदु को कहां जाना चाहिए था, अनंत पर जाना चाहिए था। चलिए मैं इस फॉर्मूले को अपना बेस बनाता हूं। फिर मैं क्या लिखता हूं बच्चों, इस चीज को ऐसा लिखा, तो हमें बी बिंदु पर विभव निकालना था, तो बी बिंदु पर विभव माइनस ए बिंदु पर विभव, ए बिंदु कहां है, अनंत पर है, बराबर में क्या चलेगा v, ए बिंदु की जगह अनंत और यहां पर भी लिखेंगे, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों, w, ए बी देखो, ए बिंदु अनंत और b डिवाइडेड बाय क्या बच्चों, q नॉट, ठीक है। अब समझिए अनंत पर विभव कितना होता है, ये बात ध्यान में रखना, अनंत पर विभव शून्य होता है, किसी भी बिंदु आवेश के कारण अनंत पर विभव शून्य होता है। ये अपन आगे प्रूफ कर देंगे, लेकिन अभी अभी दिमाग कर रखो कि अनंत पर विभव कितना शून्य, पृथ्वी पर विभव कितना माना जाता है, तब शून्य माना जाता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। दो जगह पर विभव अपन शून्य मानते हैं, एक अनंत पर है और एक पृथ्वी पर है, ठीक है। तो ये जीरो लिख दूं तो बी बिंदु पर विभव वी भी हो जाएगा, क्या वी भी बराबर क्या लिखा जाएगा, डब्ल्यू अनंत बी डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। गौर करो फॉर्मूला ज्यादा चेंज नहीं हुआ है, अभी भी ऊपर कार्य ही है और नीचे आवेश ही है, ठीक है। तो इसका मतलब इस विभव का मात्रक भी वही होगा जो कि विभवांतर का मात्रक था। विभवांतर का ऐसा ही मात्रक क्या लिखा था हमने, वोल्ट लिखा था, तो इसका भी ऐसा ही मात्रक क्या लिखेंगे, वोल्ट लिखेंगे या फिर जूल प्रति कुलाम लिखेंगे, ठीक है। फिर दूसरा विमा, विमा 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 देखो वहां पर, ओके मैंने मिटा दी है विमा, तो जो विभवांतर की विमा थी वापस से आप विभव की विमा भी वही लिखेंगे। क्या लिखते थे अपन, एम वन एल टू टी माइनस थ्री ए माइनस वन, ऐसी विमा आ रही थी, ठीक, तो यही विभव की विमा होगी। फिर विभवांतर कैसी राशि थी, अदिश राशि लिखी थी हमने, तो विभव भी कैसी राशि होगी, अदिश राशि ही होगी, ये बात ध्यान में रख लीजिएगा, दिमाग में रहेगा, तो ये दोनों चीजें दिमाग में रहनी चाहिए। पता चल गया विद्युत विभवांतर और विभव क्या होता है, सिंपल सा टास्क था बच्चों, पर ने ज्यादा टेन से ज्यादा कुछ देखा नहीं है। ठीक, एक परिभाषा और पूछी जाती है कि एक वोल्ट को परिभाषित कीजिए, ठीक है। अब एक वोल्ट को कैसे परिभाषित करेंगे, तो ये उतार लिया होगा आपने, ठीक है, तो एक वोल्ट को परिभाषित करते हैं बच्चों। चलिए इसको यहां से ही मैं आपको समझा देता हूं। चलिए वी ए बी बराबर अपन ने लिखा WAB divided by Q naught। अब हमें अगर VAB कितना चाहिए, एक वोल्ट चाहिए, ऐसा ही तो है, ठीक, तो क्या होगा बच्चों, यहाँ पर समझिए Q naught का मान, Q naught का मान अपन कितना लेकर चलेंगे, एक कूलम लेकर के चलेंगे, एकांक धनात्मक आवेश हो जाएगा। WAB का मान कितना होगा, तो हमने बोला एक जूल अगर हो, ठीक है, WAB का मान कितना होना चाहिए, एक जूल होना चाहिए। तो समझिए यदि यहां पर आप लगाएंगे, यदि Q नॉट बराबर एक कूलम, WAB बराबर एक जूल, तब VAB बराबर कितना होगा, एक वोल्ट होगा, मान लो फूस के अंदर आएगा नहीं आएगा। इसका मतलब ये है कि विद्युत क्षेत्र में किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य एकांक धनात्मक आवेश को विद्युत क्षेत्र के विपरीत ले जाने में किया गया कार्य यदि एक जूल है, तो उन दोनों बिंदुओं के मध्य विभवांतर कितना होगा, एक वोल्ट होगा। वापस से एकांक धनात्मक आवेश को विद्युत क्षेत्र के विपरीत एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक
ले जाने में किया गया कार्य यदि एक जूल है तो उन दोनों बिंदुओं के मध्य विभवांतर कितना होगा? 1 वोल्ट होगा। बात समझ में आ गई? इतना ही था, लिख लोगे आप परिभाषा? तो बस उसी को ही लाइन को मैच करना है, विभवांतर वाली लाइन के अंदर बस मान रखने थे, हमारा 1 वोल्ट की परिभाषा ले आ जाएगी। ठीक है, चलिए अब इसके बाद में अपन एक फॉर्मूला बना रहे हैं जो कि हम पूरे चैप्टर में यूटिलाइज करेंगे। ठीक है, वो है विद्युत क्षेत्र से विद्युत विभव। ठीक है, पॉइंट क्या है? विद्युत क्षेत्र एवं विद्युत विभव में संबंध लिख लीजिएगा, या फिर विद्युत क्षेत्र से विद्युत विभव को ज्ञात करना। ये सिर्फ और सिर्फ अपन फॉर्मूला बनाने के लिए कार्य कर रहे हैं बच्चों, की फॉर्मूला कैसा बनना चाहिए। ठीक है, तो आज अपन बस इतना ही देखेंगे, इसके बाद में नेक्स्ट क्लास से अपन डेरिवेशन करना चालू करेंगे। ठीक है, देखिए तो आपको पहले तरीका समझे अपन, तो हमने क्या लिखा था? तो अपन ने लिखा था कि किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य जो विभवांतर था ना बच्चों, वो क्या था? WAB डिवाइडेड बाय Q0। ठीक है, यही बात है। चलिए अब इस चीज को थोड़ा सा समझ लेते हैं। अगर मैं ऐसा चल रहा हूं तो मैं कार्य को समझता हूं कि कार्य क्या है, तो मैं बोला कार्य होता है बल गुणा विस्थापन। तो ये कुछ ऐसा लिखते हैं, FdX लिखा करते थे, आपको याद आ रहा है? तो आप यहाँ पर FdX लिख सकते हो अगर विस्थापन अगर आप x में ले रहे हैं, और अगर विस्थापन अगर आप r में ले रहे हैं, क्योंकि अपन हर जगह विस्थापन वैसे r में ही ले रहे हैं। अभी आप देखोगे KQ डिवाइडेड बाय R² विद्युत क्षेत्र आ रहा था। तो आर विस्थापन ले रहे थे, तो मैं यहां पर विस्थापन अगर आर में लेता हूं तो यहां पर मैं इसे लिखूंगा FdR। ठीक है, और ये बल और विस्थापन का अदिश गुणनफल होता है, ऐसे ही होता है। और ये कार्य मतलब Br की वैल्यू, जो आर की वैल्यू, वो कहां से कहां तक के लिए मूव कर रही है? ए से लेकर बी तक के लिए मूव कर रही है, डिवाइडेड बाय क्या? Q0। अब ये ध्यान में रखो, यहां पर ये बल एफ है कौन सा? ठीक, ये बल विद्युत क्षेत्र लगा रहा था या अपन लगा रहे थे, मतलब बाह्य कार्य कोई स्रोत कर रहा था या विद्युत क्षेत्र कर रहा था? तो सीधी सी बात, इस चीज को ध्यान में रखो, ये वाला कार्य हमारे द्वारा मतलब बाह्य स्रोत द्वारा किया गया है। ठीक है, बाह्य स्रोत द्वारा किया गया कार्य, तो ये बल भी बाह्य स्रोत द्वारा ही लगाया गया है। ठीक है, तो यहां पर मैं अगर F को लिखूं तो ये F क्या होना चाहिए? F एक्सटर्नल होना चाहिए, बाह्य स्रोत द्वारा लगाया गया बल। अब बाह्य स्रोत द्वारा लगाया गया बल विद्युत क्षेत्र के बल के क्या है? विपरीत दिशा में है, ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, अपन देखो विद्युत क्षेत्र कैसा जा रहा था, वो डायग्राम याद आ रहा है? विद्युत क्षेत्र ऐसा जा रहा था और हम विस्थापन को ऐसा लेकर के आ रहे थे, उल्टी दिशा में लेकर के आ रहे थे। तो ये जो एफ एक्सटर्नल है वो विद्युत क्षेत्र के विपरीत कार्य कर रहा है। तो अगर मैं इस एफ बाह्य को या एफ एक्सटर्नल को चेंज करूं विद्युत क्षेत्र के बल से, तो मैं बोलूंगा दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में है बच्चों। तो अगर विपरीत दिशा में है तो इसका मतलब इसको चेंज किया जाना चाहिए एफ इलेक्ट्रिकल से, और एफ इलेक्ट्रिकल से तभी करोगे जब आप यहाँ पर क्या लगाओगे? माइनस का चिन्ह। यह प्रदर्शित करेगा कि यह जो बल है वो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में है। डॉट क्या लगाएंगे बच्चों? Dr लगाएंगे, डिवाइडेड बाय क्या होगा? Q0 होगा। फिर Q0 आवेश पे लगने वाला बल था, मूव तो Q0 को ही कर रहे थे। ठीक, तो फिर इसके लिए क्या लिखेंगे? तो हमने लिखा ए से लेकर बी तक, माइनस को बाहर ले जाए, एफ इलेक्ट्रिकल कितना होता है? Q0 इंटू ई होता है क्या? यही होता है। डॉट क्या आएगा? Dr सदिश, डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे बच्चों? Q0 सदिश। ठीक है, ये ए और बी बिंदु के मध्य विभवांतर होगा। फिर Q0 से Q0 क्या हो गया? कैंसिल। तो फॉर्मूला क्या बना? ए से लेकर बी तक विभवांतर जो है वो विद्युत क्षेत्र और विस्थापन के रेख अदिश गुणनफल के रेखीय समाकल के तुल्य है। ठीक है, ये ध्यान में रखना, और इस फॉर्मूले को देख करके दिमाग मत लगाना कि सर ने दो सदिश लगा रखे हैं इसलिए विभवांतर सदिश राशि है। नहीं बच्चों, अदिश गुणनफल के कारण क्या आती है? अदिश राशि आती है। दो सदिशों के अदिश गुणनफल, डॉट प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं हिंदी में? अदिश गुणनफल बोलते हैं, के कारण अदिश राशि की प्राप्ति होती है। और यहां यह रेखा समाकलन पथ पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, चलिए तो ये समझ में आ गया। तो ये फॉर्मूला अपन अब एंड तक यूज करने वाले हैं, ये बात ध्यान में रखना। ओके, नेक्स्ट देखो, अगर मेरे को विभव देखना होता,
क्या देखना होता? विभव। कौन से? बी बिंदु पर विभव। तो बी बिंदु पर विभव के लिए ए को कहां जाना पड़ता है? अनंत पर जाना पड़ता है। तो हमने लिखा बी बिंदु पर विभव हेतु ए अनंत पर होना चाहिए। और अगर ए अनंत पे चला गया तो इसे मैं वी बी लिख देता हूं, क्योंकि वी बी माइनस वी ए लिखा था। इसको और क्या लिखते हैं? वी बी माइनस वी ए लिखते हैं, ऐसा ही लिखते हैं। तो वी बी लिख देता हूं, वी ए का मान तो मैंने आपको शून्य बताया था। तो यहां पर क्या होगा, अगर विभव निकालना है किसी बिंदु पर तो अनंत से लेकर उस बिंदु का स्थिति कहां पर है? बी बिंदु की स्थिति ले रहे हैं अभी तो पर डॉट डी आर, पता चल गया। इस तरीके से आप विभव निकालो। अब ये स्थिति कहां से देखी जाएगी? मूल स्रोत कहां पर है, मूल आवेश कहां पर है, उस मूल आवेश से इस बी बिंदु की स्थिति आप लिखनी पड़ेगी आपको, है ना। अगर बी बिंदु एक्स दूरी पे था तो यहाँ पे एक्स लिखोगे, बी बिंदु अगर आर पी दूरी पर था तो यहाँ पे आर पी लिखोगे, बी बिंदु अगर आर दूरी पर है तो आर लिखोगे यहाँ पर, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि बी बिंदु है कहां, ठीक है। चलिए, तो ये समझ में आ गया, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वाले पार्ट में अपन इसी फॉर्मूला से काम करने वाले हैं, तो ये दिमाग में रखिएगा। चलिए, तो आज के लिए बच्चों इतना ही था। मैं आपको वापस से कहूंगा, अगर आपने वीडियो देखा है चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है, वीडियो को लाइक करो और शेयर करो। हैव अ गुड डे।